हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 7, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नूडल्स बच्चों के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 प्याज चॉप करे हैं। ये एक शिमला मिर्च है, थोड़ा सा हरा कटा हुआ प्याज है, साथ में जिसमें चीज़ें डालनी वो हैं। और साथ में ही मैंने इधर यहाँ पे चाउमीन बॉइल करने के लिए रख दी थी, जो कि हो चुकी है। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला था, ये देखिए। साथ ही इधर मैं रख रही हूँ कढ़ाई, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इसके लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा तेल डाल लिया है इसमें। जब ये तेल थोड़ा सा हीट करने लगेगा, तब हम इसमें सारी सब्जियाँ डाल के फ्राई करेंगे। तब तक हमारे यहाँ पे चाउमीन बॉइल्ड हो रही है। तो गाइस, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम नूडल्स को करते हैं, गर्म पानी से निकालते हैं, तो उसको साथ के साथ ही तुरंत ही ठंडे पानी से आप धो लीजिए, तो कभी भी वो चिपकेंगे नहीं। ये देखिए, ये काफ़ी खुले खुले बनेंगे। जब तक इधर पानी इसका निकलेगा, तब तक हम उधर कर लेते हैं तड़के की तैयारी। हाँ, तो इसमें हमने प्याज डाल दिया है, और जैसे ही ये प्याज थोड़ा सा भून जाएगा, हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और हरा प्याज। गाइज, ये प्याज थोड़ा सा हो चुका है, भून गया है, इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च। अगर आपके पास पत्ता गोभी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो आपको पसंद है, आप इसमें डाल सकते हैं। गाइज, ये देखिए, ये भून चुका है थोड़ा सा, इसमें हम हरा प्याज भी डाल देंगे। हरे प्याज को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। आपके पास अगर पनीर है तो इसमें पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी सब्ज़ी आपके पास है, आप इसमें डाल सकते हैं। और याद रखिएगा, इसको हमेशा हाई फ्लेम पे ही पकाना है, इसको आप धीमे पे नहीं पकाएंगे। तो गाइस, जब तक ये पक रहा है, इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्दी हमने डालते समय उबाल लिया था। थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डालनी होती है बस इसमें, और लाल मिर्च मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए। तो गाइस, इधर मेरी सब्जियाँ थोड़ी सी रोस्ट हो चुकी हैं, अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स। ये देखिए, इनका कलर कितना अच्छा है, तो आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, इसमें जो हमने चाउमीन के साथ में आता है, विनेगर हो गया है, रेड चिली सॉस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर लिया, अभी इन्हें हम मिक्स करेंगे। फाइनली गाइस, ये देखिए, अब इसे हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। चाउमीन मेरी रेडी हो चुकी है, अगर आपके पास पनीर है तो आप उसी में पनीर ऐड कर सकते हैं। फाइनली गाइज, मेरी चाउमीन बन के रेडी हो चुकी है। तो गाइज, ये देखिए, ये हो चुकी है मेरी चाउमीन, तो आप इसे सर्व कर सकते हैं आपके जिसके साथ मन करे। गाइज, ये गर्मा गर्म चाउमीन मेरी रेडी है, साथ में ये चाय है, ये देखिए। तो जिसको भी पसंद है, आइए साथ में खाते हैं, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ईजी होती है, तो मैं बच्चों के पास ये लेके जाती हूँ। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, बाय।